हाय एवरीवन, स्किन के एस्थेटिक या कॉस्मेटिक कंसर्न्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इन सब ट्रीटमेंट्स में क्योंकि काफ़ी ट्रीटमेंट्स नए हैं इंडिया में जैसे एक्सोसोम्स, PDRN, तो इनको लेके लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं और मुझसे भी ओपीडी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ PDRN क्या होता है और वो एक्सोसोम से कैसे अलग है और किस इंडिकेशन के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दोनों में से चूज़ करें। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि PDRN क्या है। PDRN यानी पॉलीडाइऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये कुछ DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो मरीन सोर्सेज से डिराइव होते हैं और मरीन सोर्सेज से ये यानी फ़िश से डिराइव होते हैं और इनको जब आपकी स्किन में इन्फ्यूज़ किया जाता है तो ये स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस को बढ़ाएंगे, स्किन की टोन और क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, स्किन में हाइड्रेशन लाएंगे। और PDRN से एक्सोसोम कैसे अलग है वो अब हम देखते हैं। एक्सोसोम्स वेसिकल्स होते हैं या बबल्स होते हैं जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें प्रोटीन्स और फैट होते हैं। जब ये एक्सोसोम आप करवाते हैं तो यानी एक्सोसोम्स आपकी स्किन में इन्फ्यूज़ किए जाएंगे तो ये एक्सोसोम्स या बबल्स या वेसिकल्स आपके सेल्स से जाके फ्यूज़ हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और वो सारा जेनेटिक मटेरियल और वो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन सारी ट्रांसफ़र करेंगे आपके स्किन के सेल्स को। उससे आपके स्किन के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे और स्किन को रिपेयर, रीजेनरेट और रिजुविनेट करेंगे। इससे आपकी स्किन हेल्दी होगी, फर्म होगी और कोलेजन और इलास्टिन बनेगा। दोनों ही ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं स्किन की एंटी एजिंग के लिए, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए, पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, ओपन पोर्स के लिए, स्किन की टेक्सचर, टोन और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए। तो क्या फ़र्क है दोनों में? PDRN में आपको रिजल्ट्स थोड़े स्लो मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे, पर PDRN ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और PDRN में वही रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको थोड़े सेशन ज़्यादा लगेंगे। एक्सोसोम्स ऑन द कॉन्ट्ररी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स देता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, रिजल्ट्स ज़्यादा सुपीरियर हैं और एक्सोसोम के सेशंस भी आपको कम लगेंगे। एक्सोसोम का रिज़ल्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक्सोसोम्स को हमें इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डर्मा पेन से भी कर सकते हैं। PDRN को अगर इंजेक्ट किया जाए तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि आप PDRN को वैसे डर्मा पेन से भी करवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिनको पिंपल्स के रेड निशान हैं और वो इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रही है तो ऐसे में एक्सोसोम्स आप ज़रूर कंसिडर करिए। स्किन की रेडनेस, सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्किन हाइड्रेट होगी, हेल्दी होगी और स्किन का बैरियर भी रिपेयर होगा अगर आप एक्सोसोम्स करवा रहे हैं। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें YouTube और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा YouTube और Instagram हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।